जय जिनेन्द्र मित्रों, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनकी यशोगाथा मानवता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, वे लोकगीतों की भांति गाई जाएगी। वे ऐसे मुनि थे जिन्होंने पूरे देश में विहार करते हुए धर्म की ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जो आज भी अबाधित रूप से दैदीप्यमान है। चाहे कड़कड़ाती सर्दी हो या चिलचिलाती गर्मी, किसी भी समय में पंखा, हीटर आदि उपकरण का प्रयोग न करना, सरल भाषा का प्रवचन में उपयोग करते हुए सीधे दिलों तक पहुंच जाना, मुस्कुराकर हर एक से चर्चा करना, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हर किसी से प्रेम से बात करना, कभी भी चेहरे पर शिकन या शरीर में थकान ना होना और सामायिक के लिए ठीक 12 बजे बैठ जाना, पूरी की पूरी चर्या अनूठी है। आज के इस पंचम काल में इन महान संत का आगम के अनुकूल आचरण करते हुए, मूल गुणों एवं उत्तर गुणों का पालन करते हुए उत्कृष्ट व निर्दोष चर्या का पालन करना निसंदेह अनुपम है। कहते हैं कि उनके विहार के समय केसर वृष्टि होती थी और जिस स्थान पर उनका आहार होता उस स्थान पर उनके चरण चिन्ह छप जाते थे। आज मैं इन्हीं किस्सों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात सन 1998 की है। आचार्य श्री के गुणों की सुगंधि देश के कोने कोने तक फैल चुकी थी। लोग उनको चमत्कारी संत के रूप में जानने लगे थे। विहार के समय केसर वृष्टि और जहां उनका आहार होता उनके चरण चिन्ह छप जाने की चर्चा हर जगह होती थी। आचार्य श्री के परम भक्त श्री जे के जैन जी बताते हैं कि एक शाम प्रतिक्रमण के उपरांत गुरुवर सामायिक में बैठने ही जा रहे थे कि समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति गुरुवर से पूछ बैठे, क्या बात है महाराज, आजकल आपके विहार में ना तो केसर वृष्टि होती है और ना ही आपके आहार के स्थान पर चरण चिन्ह छपते हैं। गुरुवर मौन रहे और मुस्कुरा दिए। श्री जे के जैन जी से रहा नहीं गया और वे बोले कि हम चरण चिन्ह छपना, केसर वृष्टि या किसी अन्य चमत्कार के कारण गुरुवर की वंदना नहीं करते और ना ही उनका ज्ञान इसमें कारण है। ज्ञान तो किसी में भी हो सकता है। हम तो आपकी तप साधना के सम्मुख नतमस्तक होते हैं, कैसे झेल लेते हैं आप इतनी सर्दी, इतनी भीषण गर्मी। गुरुवर तब तक मौन ले चुके थे, सिर हिला दिया मानो उनकी बात का समर्थन कर रहे हो। श्री जे के जैन जी बताते हैं कि गुरुवर का प्रवास हमारी कॉलोनी में ही था, सो हमारा भी मन हुआ चौका लगाने का। 4 दिन बाद की तारीख मिली और वह दिन आया। हम सब धड़कते हृदय के साथ घर के बाहर पड़गान हेतु खड़े हुए थे। अचानक 3-4 नवयुवक हमारे घर की ओर दौड़ते हुए आए और कहा कि गुरुवर हमारे घर की ओर आ रहे हैं। जैसे ही गुरुवर पर हमारी नज़र पड़ी हम लोग कह उठे, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध। गुरुवर समीप आए, कुछ क्षण रुके और हम लोगों के हाथ में रखी हुई मंगल स्वरूप पड़गान सामग्री की ओर देखा, किंतु यह क्या, एक बार देखने के बाद तुरंत लौट गए और बढ़ गए दूसरे चौकी की ओर। दिल की धड़कनें जो कुछ क्षण पूर्व तेजी से धड़क रही थी मानो रुक सी गई। सब लोग उदास थे, किंतु थोड़ी ही देर में समाचार मिला कि गुरुदेव का पड़गान अभी नहीं हुआ है और वे पुनः इसी ओर आ रहे हैं। फिर वही कहानी दोहराई गई, गुरुवर का हमारे घर के समीप आना, वहाँ रुकना, हमारी पड़गान सामग्री की तरफ देखना और फिर वापस लौट जाना। हम सब दुखी थे, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, कितना अभागा हूँ मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि गुरुवर की चरण रज मेरी कुटिया में पड़े। एक बार फिर सूचना मिली कि गुरुदेव हमारी ओर आ रहे हैं। इस बार चमत्कार हो गया, उन्होंने पता नहीं क्या देखा, हमारे सिर पर रखा मंगल कलश, हमारे हाथों की सामग्री या मेरे आँखों के आंसू। संभवतः उस दिन महावीर के लघुनंदन की यही विधि थी आहार लेने की, कि जहाँ श्रावक की आंखों में आंसू निकल जाएं वे वहीं आहार लेंगे। खैर उनकी बात वही जाने। मुझे आज भी नहीं पता कि कैसे मैंने गुरुवर को प्रदक्षिणा दी, कैसे उन्हें भोजनशाला में आने हेतु निवेदन किया, कैसे उन्हें उच्चासन पर विराजमान करने हेतु निवेदन किया, किस प्रकार उनके पैरों का प्रक्षालन किया, कैसे उनकी पूजा की आदि, और इसी प्रकार से उन्होंने मेरे हाथों से आहार लिया। शास्त्रों में पढ़ा था कि जिस घर में अक्षीण रिद्धिधारी ऋषियों का आहार होता है उस जगह पंचाश्चर्य होते हैं, चाहे उनके घर चक्रवर्ती सेना जीम जाए फिर भी उनके घर भोजन कम नहीं पड़ता। उस दिन हमारे घर में भी 40-50 लोगों ने भोजन किया फिर भी भोजन सामग्री कम नहीं पड़ी। उस दिन सही मायने में पता लगा कि अपने घर में साधु का आहार हो जाने के बाद घर वालों को कितनी प्रसन्नता होती है। गुरुवर के विहार हो जाने के बाद मैंने उस स्थान को देखा जहाँ गुरुवर ने आहार लिया था, मेरे आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, चमत्कार हो गया था। देवों ने मेरे घर अतिशय दिया था, मेरे गुरुवर के चरण चिन्ह वहाँ चमचमा रहे थे। मैं दंडवत लेट गया और माथा टेकता रहा उन चरण चिन्हों पर। आज के इस पंचम काल में भी
तपस्वी साधुओं की उत्कृष्ट साधना के कारण ऐसे चमत्कार संभव हैं। तभी मैं गुरुवर के पास पहुंचा और सिर झुका दिया उनके चरणों में और उनके सम्मुख बैठ गया सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर। गुरुवर मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है, क्यों हाँफ रहे हो, बड़ी जल्दी में लगते हो। मैंने उत्तर दिया, आपको सब पता है। गुरुवर बोले, पहेलिया ना बुझाओ, सही सही बताओ क्या बात है। मैंने कहा, आपके चरण जो सदा सदा के लिए मेरे हृदय में अंकित हैं, आज उन्हीं चरणों के चिन्ह मेरी कुटिया में छोड़कर उस दिन की बात का अच्छा उत्तर दिया आपने। गुरुवर बोले, देखो ये सब साधारण बातें हैं, इनको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। जिस तप साधना के बल पर आत्मा परमात्मा बन जाती है, मोक्ष प्राप्त कर सकती है, उस तप के बल पर चरण चिन्ह छप जाना तो एक बहुत छोटी सी बात है, भूल जाओ यह सब। गुरुवर पुनः मुस्कुराए। मित्रों, ऐसे थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने जैन मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल तुषार जैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।